राइट। देखो मैं हाथ पे भी रख के दिखाता हूँ, ये नट है, ये नट है, इसको मैं खड़ा करके दिखाता हूँ, बेटर विजिबिलिटी हो जाएगी। ये नट है बच्चे, अभी मैं जो हाथ पे रखूंगा वो स्क्रू है, देखो ये स्क्रू है राइट। और अब जो मैं हाथ पे रखने लगा हूं वो देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। व्हाट इज दिस? ये जो मैंने अपने फिंगर के टिप पे रखा है ये क्या है? ये देख, हेलो ये और दिखाऊं, ऐसे दिखता है बीच में से, पतला सा है। इसको क्या बोलते हैं? एनीबॉडी? इसको बोलते हैं बेटे वाशल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब स्क्रू के अंदर कहीं टाइट करना हो स्क्रू, पहले वाशल डाल देते हैं फिर ऐसे नट को कसते। लेकिन मैं एक चीज देखता हूं कि जितनी जगह पर ये नट नहीं लगा हुआ, ये देखो जितनी जगह पर ये नट पहले टाइट था, यहां से आयरन के पीस को रस्टिंग नहीं हो रखी है ना, क्रोजन नहीं हो रखी, लेकिन इधर से ये देखो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो गया बच्चे, राइट। देखो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो चुका है, यानी रस्टिंग हो चुकी है लोहे के पीस की, जो कि मेरे को अच्छी नहीं लग रही। जब मैं नया लेकर आया था तो बिल्कुल पीस था, जब हम नया लोहे को तो बड़ा अच्छा होता है, बाद में ये करोड हो जाता है, क्रोजन, क्रोजन मतलब रस्टिंग, इसके ऊपर ये ब्राउन ब्राउन सा पाउडर आ जाता है। और जब हम नया लेके आते हैं ये लोहे का पीस तो ऐसा होता है, देखो सो ब्यूटीफुल है ना, ये लोहे का पीस है मेरे पास और इसको रस्टिंग नहीं हो रखी। और कोई कोई लोहे का पीस ऐसा भी होता है वो काफी देर पुराना भी हो जाता है तो उसको रस्टिंग नहीं होती। ठीक है, जैसे मेरे पास ये की रिंग है और ये मेरे पास अराउंड 10 इयर्स ओल्ड है, 10 इयर्स ओल्ड है, फिर भी इसको रस्टिंग नहीं हो रखी। तो क्यों नहीं, कुछ लोहे के पीस को रस्टिंग हो जाती है कुछ को नहीं होती, ये रस्टिंग होती ही क्यों है, मेटल्स धीरे धीरे करोड क्यों हो जाती हैं, ये जो जिसके ऊपर कोरोजन है इसके, ये देखो ऊपर क्या क्या, ये कौन सा पाउडर आ गया जो ऐसे करने से उतर भी रहा है ब्राउन पाउडर, ये नीचे गिर रहा है। साइंटिस्ट लोग इसको फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। इस मेटल, इतनी मजबूत मेटल लोहे की करोड़ हो जाती है और धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। हम ये सारा कुछ आज देखते हैं कि ये होता क्या है, और इसको करोजन को अगर हमने बचाना है तो कैसे बचाना है भाई, कोई ना कोई तो तरीका होगा ही होगा। तो सबसे पहले शाबाश, हम टीचर एक वर्ड लिख रहे हैं, योर अटेंशन, करोजन, राइट डाउन करोजन। ठीक है, आप सीखना चाहते हो ना ये करोजन रस्टिंग होती क्यों है, इसको बचाना कैसे है? डू यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड? जो जो बच्चा इसको सीखना चाहता है रेज योर हैंड। शाबाश, आज हम इसको डिटेल में अच्छी तरह पढ़ेंगे, बैठो। और आप सभी को पता है कि ये एक प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक्ड सेंटेंस है, तो इसलिए लिंक्ड कॉन्सेप्ट है, इसलिए आपको ये अच्छी तरह से सुनना है, जिंदगी भर काम आएगा। 8th E क्लास में कुछ बच्चे खड़े हैं बेटे, टेक योर सीट एज अर्ली एज पॉसिबल। ओके, तो बेटे क्रोजन का क्या मतलब होता है? क्रोजन, क्रोजन का मीनिंग समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें क्या क्या हो सकता है। एनवायरनमेंट में हमारे पास गैसेस हो सकती हैं, राइट, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस और बाकी भी होती हैं थोड़ी बहुत, सबसे ज्यादा कौन सी होती है? नाइट्रोजन। और हमारे एनवायरनमेंट में क्या हो सकता है? मॉइस्चर हो सकती है बेटे। मॉइस्चर बेसिकली क्या होता है? हवा में लटकी हुआ पानी की कंटेंट, H2O क्या होता है? वाटर। वाटर की कंटेंट जो होती है वो उसको हम मॉइस्चर बोलते हैं। ठीक है, और इसी के लिए एक वर्ड अगर होता है ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी नमी, अगर हिंदी में बताऊं तो नमी। और
ये कौन सी गैस बताई टीचर ने? नाइट्रोजन। ये कौन सी गैस बताई बेटे? ऑक्सीजन। ये दोनों ही दोनों बहुत ज्यादा रिएक्टिव गैसेस होती हैं। रिएक्टिव गैसेस, रिएक्टिव गैसेस मैंने जो बड़ी जल्दी रासायनिक क्रिया करती हैं, किसी के साथ रिएक्ट करके कुछ भी बना देती हैं, ठीक है, अलग अलग कंपाउंड बना देती हैं। तो मेरे पास मान लो एक लोहे का नेल है और मैं इसको आज ही खरीद के लेकर आया हूं, ठीक है, आयरन नेल। जब मैं आयरन नेल को आज खरीद के लेकर आया न्यू, तो ये बहुत ही बढ़िया दिखता है। तो बाद में लेटर ऑन इसमें अगर मैंने इसको कहाँ रख दिया, केप्ट इन ओपन। ओपन का मतलब मैंने अपने इसको कोर्ट यार्ड में रख दिया, आंगन में रख दिया, ठीक है। तो आंगन में ये किसके साथ कांटेक्ट में आ गया बेटे? एनवायरनमेंट के साथ, राइट। अब क्या होगा, ये जो ह्यूमिडिटी है ये इसके ऊपर इम्पैक्ट डालेगी, एनवायरमेंटल गैसेस हैं इसके ऊपर इम्पैक्ट डालेंगे, उसके असर के अधीन इस लोहे की नेल के ऊपर एक ब्राउन कलर का पाउडर पाउडर सा आ जाता है, ठीक है। और ये पाउडर वैसे होता क्या है, हाइड्रेटेड हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ना आयरन के लिए सिंबल यूज होता है, कौन सा सिंबल होता है आयरन का? Fe। किसी और लैंग्वेज में, इंग्लिश को छोड़ के और लैंग्वेज में आयरन को फेरस भी बोलते हैं, फेरस। फेरस से वर्ड बनाया फेरिक। ऑक्सीजन क्यों? ऑक्सीजन इसके ऊपर रिएक्ट करती है तो ऑक्साइड, राइट। हाइड्रेटेड क्या मतलब होता है? पानी की कंटेंट को पकड़ लेना। तो ये एक कंपाउंड बन जाता है Fe2O3 इंटू एक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, क्योंकि पानी की कंटेंट इसके अंदर चिपकी हुई है, इसलिए हाइड्रेटेड वर्ड। आयरन भी है तो फेरिक, ऑक्सीजन ने इसके ऊपर रिएक्शन कर दिया फेरिक ऑक्साइड। तो ये जो होता है ना बेटे, ये ब्राउन कलर का पाउडर होता है, ये ब्राउन कलर का पाउडर इस लोहे से अलग हो जाता है और धीरे धीरे ये पाउडर के रूप में ऐसे नीचे गिरता रहता है, और लोहे की जो नेल है उसका अपना भार कम होता जाता है, ठीक है। तो ऐसे वाली मोटी नेल धीरे धीरे पतली होती जाएगी और हमारा लोहा खराब हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को जानते हो हम हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रस्टिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो कोई बच्चा कहता है सर लेकिन आप तो करोजन पढ़ा रहे थे, बिल्कुल सही। अगर मैं जनरल में बात करनी हो, जनरल में क्या, जनरल में क्या हार्मफुल, किसी भी मेटल के ऊपर एनवायरनमेंट का हार्मफुल इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ किसका बेटे, लिखते जाना चाहिए आपको, एनवायरनमेंट कंपोनेंट्स, एनवायरनमेंट कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स कौन से? जैसे ऑक्सीजन, मॉइस्चर वगैरह, ऑन दी मेटल, राइट, जिससे ये मेटल की क्वालिटी डिटोरिएट हो जाती है। डिटोरिएट मैंने क्वालिटी कमजोर होगी, डिटोरिएट, डिटोरिएट। और तब इसको हम क्रेयन बोलेंगे। लेकिन अगर वो क्रेयन स्पेसिफिकली आयरन की हो, स्पेसिफिकली आयरन, तब उस क्रेयन का स्पेशल नेम दिया जाता है, क्रेयन इज इक्वल टू, क्रेयन इज इक्वल टू रस्टिंग। बोलो कब बेटे, बता सकते हो? इफ मेटल इज कौन सी, बोलो, आयरन आयरन तब हम इसको रस्टिंग कहेंगे। तो बाकी मेटलें भी खराब होती हैं, पर हम मेनली लोहे का क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा जो मेटल पाई गई वो आयरन है। कुदरत ने हमें सबसे ज्यादा कौन सी मेटल दी है? आयरन। आयरन और इसकी प्रैक्टिकल लाइफ में यूटिलिटी भी सबसे ज्यादा इसी की है। अगर आयरन ना हो तो सरिये नहीं बनेंगे, आयरन रॉड्स नहीं बनेंगी, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्डिंग नहीं बनेगी,
समझते हो ना, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कभी नहीं होती तो देश की तरक्की नहीं हो सकती, करेक्ट। तो आजकल हमारा देश बहुत ग्रो करने लगा और साइंटिस्ट लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि अगले 15 साल में हमारा देश बहुत ही ज्यादा ग्रोथ कर लेगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इन्होंने एनालिसिस किया है, द बेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ द ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स इज इन भारत। और आप देखो बच्चे, आने वाले 10 सालों में आपका करियर बन जाना, जो भी आपने बनना है, तो इसलिए आपका देश इधर से तरक्की कर रहा है। तो ऐसे मौके पर जो बच्चा देश छोड़ के बाहर जाएगा वो एक तरह से मूर्खता होगी। देश तो हमारा ग्रो कर रहा है, इसलिए इतनी जान लगा दो कि कंट्री की ग्रोथ के साथ साथ आप भी बड़े अच्छे ऑफिसर बन सको, ग्रो कर सको। वेरी गुड टाइम, बेस्ट टाइम इज कमिंग फॉर भारत। ओके, सो आपको क्या बोला, करोजन। करोजन क्या है? हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट्स कंपोनेंट ऑन मेटल्स सच दैट मेटल्स क्वालिटी डिटोरिएट। ओके, एंड द करोजन इज कॉल्ड रस्टिंग इफ द मेटल अंडर द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट इज आयरन। देखो, टीचर ने लोहे का नेल लिया और उसको ओपन में रखा और ऑक्सीजन का और मॉइस्चर का उसके ऊपर ऐसा असर पड़ा कि वो रस्टिंग होगी मेटल की, ब्राउन कलर का पाउडर नीचे गिरने लग जाता है। वैसे वो ब्राउन होता क्या है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ब्राउन कलर का जो पाउडर होता है। मैं समझता हूं मेरे बच्चों को क्रोयन इन जनरल भी समझ आ गया होगा, क्रोयन इन जनरल फर्स्ट लर्निंग पॉइंट, और अगर उसको स्पेशलाइज करें आयरन के ऊपर सेकंड लर्निंग पॉइंट, ये भी समझ आ गया। Have you understood the first point? Raise your right hand. शाबाश, शाबाश बेटे, राइट हैंड जरूर खड़ा करना है, क्योंकि टीचर को फिर वरना पता नहीं लगता मैं तो दूर हूं आपसे। डाउन, हैव यू अंडरस्टूड द सेकेंड पॉइंट? सेकेंड पॉइंट बेटे, यस भी बोलो साथ में ना, हैव यू अंडरस्टूड द सेकेंड? बेटे मेरे को 8th B से निकला आवाज आ रही, 8th B पर्टिकुलरली। Have you understood second point? Okay, बेटे, okay. So, अब क्या है? अब बाकी मेटलों के ऊपर भी असर होता है, जैसे कॉपर है, उस कॉपर का कोई कंटेनर होगा उसके ऊपर ग्रीनिश टच आ जाता है अगर वो पुराना हो जाए एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से। तो सारी मेटल्स करोड़ होती हैं, कुछ ना कुछ, कुछ किसी पे ज्यादा असर होता है किसी पे कम। अब मेरे को एक बच्चा बोलता है, सर ऐसा क्यों होता है कि कोई मेटल ज्यादा करोड़ होती है और कोई कम? ठीक है, वैसे करोड़ का अगर हिंदी वर्ड मेरे से पूछे तो आप कहोगे मेटल का पाउडर बन के, बुरबुरा बन के खुर जाना, खुर जाना, ये इसका देसी शब्द आप अगर मीनिंग बिठाना चाहो। मेटल के ऊपर वायुमंडल के अंदर जो मौजूद तत्व है उसका ऐसा रिएक्शन होना, रासायनिक क्रिया होना, कि मेटल के सरफेस से मेटल का पाउडर बन के खुर खुर के नीचे गिरते जाना। ओके, खुरने की इंग्लिश होती है क्रोयन, राइट राइट बेटे। तो अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। अब हम ये देखते हैं किसी मेटल को ज्यादा कुरियन होती है तो किसी को कम होती है, उसका क्या कारण हो सकता है। शाबाश, 2 पॉइंट्स मेरे बच्चों ने समझ आए हैं। अब बेटे 8th क्लास में सिमरन करके बच्चा है, 8th A में सिमरन, There are two siblings. चलो आप ही बोलो बेटे, आप सिमरन हो, आप आ जाओ। कैन यू डिफाइन व्हाट इज कुरियन? सिमरन बेटे, कैन यू डिफाइन, अगर पेपर में आ जाता है 2 मार्क्स क्वेश्चन, डिफाइन क्रोयन, विल यू एबल टू डिफाइन? मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग, सर, क्रोजन मीन्स रेस्टिंग. क्रोयन मीन्स रेस्टिंग रस्टिंग, तो वो सिर्फ आयरन के लिए होती है बेटे। क्रोयन का जनरल डेफिनेशन क्या बोलोगे? इसका मतलब है इस बच्चे ने ध्यान से नहीं सुना। सर, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स.
ऑन द मेटल सर। ऑन द मेटल है ना, और भी अच्छा हो जाएगा, ऑन द मेटल सरफेस तो और भी बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, शाबाश, बैठो और ज्यादा ध्यान से सुनो, और मैं बाकी और भी किसी बच्चे से पूछ सकता हूँ, सभी बच्चे वेरी अटेंटिव रहेंगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस कोई मेटल ज्यादा खराब हो जाती है, कोई कम खराब होती है, बाय एनवायरमेंटल पैरामीटर से, फैक्टर्स से, ऐसा क्यों? ठीक है बेटे, शाबाश, राइट डाउन, राइट डाउन क्वेश्चन। अभी तक का दो क्वेश्चन का, पहले तो दो क्वेश्चन लिख लो जिसका आंसर आपको खुद बनाना है। पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज कोरोजन? शाबाश, व्हाट इज कोरोजन? दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रस्टिंग? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रस्टिंग? ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन पूछने लगा हूं बेटे, ये आपकी सारे सेक्शंस में से एक मुकाबला है, एक कंपटीशन है, 5-6 क्लासें जितनी भी हैं, 6 क्लास, देखते हैं कौन बच्चा इसका जवाब देता है। सबसे पहले कंपटीशन अमंग क्लास, एक ही क्वेश्चन पूछूंगा बस, कौन बच्चा उस कंपाउंड का नाम बता सकता है जो आयरन की रस्टिंग के वक्त ब्राउन कलर का बनता है? एनीबॉडी, शाबाश शाबाश, हाइड्रेटेड फैब्रिक ऑक्साइड। ये बच्चा कह रहा है हाइड्रेटेड फैब्रिक ऑक्साइड, क्या ये ठीक है या गलत है? फेरिक ऑक्साइड। ओह वेरी गुड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, इतना छोटा सा बच्चा जवाब दे दिया। एट ए क्लास बेटे, क्लैपिंग फॉर द एट ए क्लास विनर, शाबाश, और कोई बच्चा नहीं बता सका, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ओके, जो बच्चा अपने आंसर में इस कंपाउंड का नाम लिखेगा उसको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, जो सिर्फ लिखेगा ब्राउन कलर का पाउडर इतना ही लिख के आगे निकल जाएगा उसको कम मार्क्स मिलेंगे। करेक्ट, सो लेट्स नाउ डिस्कस फर्दर। ठीक है, इसको हम हेडिंग देंगे लेवल ऑफ कोरोजन, लेवल ऑफ कोरोजन ऑफ डिफरेंट मेटल्स, ऑफ डिफरेंट मेटल्स। मेरी हैंडराइटिंग समझ आ रही है सभी बच्चों को? यस। गंदी तो नहीं है गई? चलो गुड, शाबाश। अब ध्यान से सुनना बेटे, मान लो मेरे पास ये आयरन की नेल है, पहला मटेरियल, और दूसरा मटेरियल मेरे पास क्या है, कॉपर का ग्लास, कॉपर ग्लास। ठीक है बच्चे, तीसरा मटेरियल मेरे पास क्या है, एल्यूमिनियम केबल, एल्यूमिनियम केबल। अब इन तीन अलग अलग मेटल्स मैंने ले ली, राइट, और मैंने इन तीनों को कहां पर रख दिया, ऑल दी थ्री कैप्ट इन ओपन, बिल्कुल खुले आसमान के नीचे रख दिया, शॉर्ट में आप कह सकते हो इन कोर्ट यार्ड, आंगन में रख दिया हमने। अब जो हमारा बेड़ा है, जो आंगन है, उसका किसके साथ कांटेक्ट है, आसमान के साथ, और आसमान यानी स्काई। एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीजें होती हैं बेटे, मेनली टीचर ने अभी अभी बताया था, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन, उससे भी ज्यादा नाइट्रोजन, और वाटर की कंटेंट तो रहती ही रहती है, ज्यादा रहती है या कम रहती है? देखें तो किस बच्चे को वाटर का फार्मूला याद है अभी तक, H2O। शाबाश, H2O। तो ये तीनों के तीनों जो हैं, ये ए तीनों मिलके भाई, इनका जो ग्रुप बनेगा वो तो सभी पे अटैक करेगा, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी। तो क्या कारण है कि इनमें से सबसे ज्यादा खराब होता है आयरन, बाकी कम होते हैं?
तो इसका रीजन ये है बेटे, जितनी भी कुदरत ने ये मेटल्स बनाई है ना अलग अलग, उन मेटल्स के अंदर भी एक प्रवृत्ति बनाई है कि वो खुद कितनी रिएक्टिव है, राइट? मेटल्स रिएक्टिविटी, मेटल्स रिएक्टिविटीज आर डिफरेंट, उनकी भी रिएक्टिविटी डिफरेंट है। ये कुदरत ने इनकी डिफरेंट नेचर बनाई है, उनकी नेचर जो होती है सारी मेटलों की रिएक्टिविटी के हिसाब से, यानी कि कोई मेटल ज्यादा रिएक्टिव होती है, कोई कम होती है, कोई ज्यादा के अंदर तेज रिएक्टिव होती है या स्लो रिएक्टिव होती है। तो जो मेटल्स की नेचर होती है सभी की, वो डिफरेंट होती है। अब यहां पर एक बच्चा मेरे से पूछ सकता है, सर मेटलों की रिएक्टिविटी अलग अलग होती ही क्यों है? तो मेरे पास इसके दो आंसर है। अगर तो मैंने शॉर्ट में आंसर देना हो तो मैं कहूंगा बेटे, नेचर ने, प्रकृति ने सभी मटेरियल्स की डिफरेंट नेचर बनाई है, डिफरेंट नेचर बनाई है बेटे, मटेरियल की डिफरेंट नेचर बनाई है, उनका कंस्ट्रक्शन नेचर अलग अलग है। ये तो है इसका सिंपल वे। दूसरा इसका अगर मेरे से बच्चा पूछे सर फिर भी डिटेल में, तो मैं कहूंगा बेटे, किसी मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है या कम होती है या होती ही नहीं, इसको हम पढ़ते हैं, एक चैप्टर हम पढ़ेंगे मेटल्स रिएक्टिविटी। तो उस चैप्टर में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कोई मेटल ज्यादा रिएक्टिव क्यों होती है, कम क्यों। फिलहाल आपने ये बोलना है कि डिफरेंट मेटल्स डिफरेंट लेवल की कोरोजन इसलिए दिखाते हैं क्योंकि उनके ऊपर सेम एनवायरनमेंट का डिफरेंट डिफरेंट असर हो पाता है। जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होती है उसके ऊपर एनवायरनमेंट का ज्यादा असर पड़ेगा, जो कम रिएक्टिव होती है उस पर कम असर पड़ेगा, जो ज्यादा रिएक्टिव है वो जल्दी खराब होगी। सो द आंसर इज, क्या आंसर होना चाहिए अगर इंग्लिश में लिखें, इट हैज बीन फाउंड दैट नेचर हैज मेड मटेरियल्स ऑफ डिफरेंट नेचर, सिमिलरली वी कैन से मेटल्स आर ऑफ डिफरेंट नेचर एंड रिएक्टिविटी ऑफ वन मेटल इज डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्टिविटी ऑफ द अदर मेटल। द मेटल विच इज मोर रिएक्टिव विद द एनवायरमेंटल पैरामीटर्स विल बी कोरोडेड मोर, एंड द मेटल विच इज लेस रिएक्टिव विल बी कोरोडेड लेस। ओके बेटे, हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? बेटे मैंने आपको सिखाया था, अगर आपका आंसर यस है तो कौन सा हाथ खड़ा होना चाहिए? हैव यू अंडरस्टूड? ओके बेटे, थैंक यू थैंक यू। 8th B क्लास का कैमरा हिल गया है शायद, बाकी सारे बच्चों का मेरे को अच्छी तरह से दिख रहा है। अब हम देखते हैं बेटे, देखो हम इतनी मेहनत करके बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें सरिया डालते हैं, और हम ये चाहते हैं भाई कि उसको क्रोयन ना लगे। वो जैसे ये लोहे का नया पीस लेकर आए थे, सिल्वर सी कलर का दिख रहा है नया नया, वैसे ही वो सालों तक दिखे, उसको क्रोयन हो ही ना। तो ऐसा फिर हम क्या करें? तब हमारे पास टेम्परेरी सोल्यूशन भी है। टेम्परेरी सोल्यूशन क्या है? अच्छा टेम्परेरी सोल्यूशन है, इस आयरन के पीस के ऊपर पेंट कर दो, और दूसरा क्या, इसके ऊपर ऑयल लगा दो। ऑयल जो होता है मॉइस्चर को दूर दूर भगा के रखता है। तीसरा क्या हो सकता है, इसके ऊपर पॉलीथीन लपेट दो। तो ये जो तरीके हैं ना, ये टेम्परेरी हैं। क्यों टेम्परेरी हैं? पेंट उतर सकता है, ऑयल इवेपोरेट हो सकता है हाई टेम्परेचर पे, पॉलीथीन सारा दिन हम पॉलीथीन ही थोड़ी आयरन पे लपेटेंगे और वो फट भी जाएगा। तो किसी भी मेटल को थोड़ी देर के लिए बचाया जा सकता है, ये टेम्परेरी सॉल्यूशंस हैं। पर हम चाहते हैं परमानेंट सॉल्यूशन, ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है, ठीक है? कोई बच्चा मेरे को आइडिया बता सकता है कि क्या ऐसा करें कि आयरन को रस्टिंग से बचाया जा सके? वेरी गुड, बस वही हमने सीखना है। राइट डाउन द हेडिंग,
इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हेडिंग हुआ हमारा, और फिर इस कॉन्सेप्ट को समझ के हमने असाइनमेंट भी करनी है, लेकिन सबसे पहले हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल्स देखते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ चलिए एग्जांपल्स। शाबाश, क्या कोई बच्चा मेरे से शेयर करेगा कि उसको कोई इलेक्ट्रोप्लेटिंग की एग्जांपल पता हो? शाबाश। अच्छा एक बात बताओ, जो बाथरूम के फिक्स्चर्स होते हैं, बाथरूम के फिक्स्चर्स, उसकी सबसे पॉपुलर कंपनी कौन सी है? सबसे पॉपुलर बाथरूम में फिक्स्चर होती है ना, टूटियां वगैरह लगी होती हैं, उसकी सबसे पॉपुलर कंपनी कौन सी है? कौन सा ब्रांड पॉपुलर है? जगुआर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक बच्चे ने बोला सर वो जगुआर है, बिल्कुल सही। तो उसके जो बाथरूम के फिक्स्चर्स हैं, तो आपने देखा लोग महंगे होने के बावजूद भी खरीदते हैं, और क्योंकि वो सालों तक ब्राइट रहते हैं, ब्राइटली शाइनिंग, वो चमक मारते रहते हैं हमारे बाथरूम को, बहुत अच्छा एलिगेंस प्रोवाइड करते हैं, और कई सालों तक, 4 इयर्स। जानते हो क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो मेटल, तो नीचे आयरन ही है ना, तो आयरन के ऊपर उन्होंने क्रोम प्लेट करा होता है, क्रोम, ठीक है, क्रोम प्लेट करा होता है, क्रोम प्लेटेड होते हैं वो, इलेक्ट्रोप्लेटेड मतलब। तो ऐसा क्यों होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर ये एक टैप है, ध्यान से सुनो बच्चे, अगर ये एक टैप है तो इसके ऊपर एक और मेटल की परत चढ़ा देते हैं, स्पेशल तरीका होता है, मैं अभी सिखाऊंगा आपको कैसे करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और ये परत क्रोमियम मेटल की होगी, क्रोमियम, और अंदर कौन सा पीस है आयरन का? आयरन टैप, ठीक है। इस तरह से ये बनते हैं बच्चे। और कोई एग्जांपल दे सकते हो मेरे को इलेक्ट्रोप्लेटिंग की? शाबाश। यूटेंसिल्स हो सकते हैं बेटे, ज्वेलरी हाँ ज्वेलरी बिल्कुल बिल्कुल। इलेक्ट्रोप्लेटिंग देखो ज्वेलरी, बच्चे कई लोग होते हैं ना, और इवन लेडीज को बहुत शौक होता है गोल्ड ज्वेलरी का, लेकिन गोल्ड ज्वेलरी सिल्वर के मुकाबले तो काफी महंगी पड़ती है, इसलिए, या और कोई मेटल के मुकाबले काफी महंगी पड़ती है, तो वो लेडीज क्या करती हैं, गोल्ड को सिल्वर की ज्वेलरी के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेट करवा देती हैं, तो ऊपर ऊपर वाली परत जो होती है गोल्ड की बनती है। ऐसे मेरे पास जो पुरानी घड़ी थी वो मेटल की चेन वाली थी, तो मैंने उसके ऊपर गोल्ड प्लेटेड कर दिया था, उसको चेन बना दिया था, ठीक है बेटे। तो ज्वेलरी होती है, वॉचिज होती हैं, जी इलेक्ट्रो प्लेटिंग हो सकती है इसमें बेटे, ठीक है। और क्या हो सकता है? आपने देखा बेटे घी के पीपे देखे हैं आपने? घी के पीपे, yes. वो आप कभी भी नोट करना, उसके ऊपर कभी भी जर नहीं लगा होता, करोजन नहीं होती उसके ऊपर, तो क्यों नहीं होता? अंदर से तो वो लोहे के ही होते हैं आयरन, लेकिन उसके ऊपर टिन मेटल की कोटिंग करी होती है, टिन मेटल की, ओके, टिन मेटल की कोटिंग करी होती है। आपने एक और चीज देखी है, जो हमारी जमीन के अंदर लोहे की पाइप लगी होती है, जो वाटर सप्लाई पाइप्स होती हैं, म्यूनिसिपल कमेटी जो जमीन में से डाल के लेके जाती है वाटर सप्लाई पाइप्स, वो भी आयरन की होती हैं, राइट बेटे? और आपने देखा उनको कई कई सालों तक जर नहीं लगता, तो जर नहीं लगता, जानते हो उसके ऊपर कौन सी मेटल की कोटिंग कर देते हैं? जिंक इज कोटेड।
क्रोमियम क्यों नहीं करते वहां पर? क्योंकि वहां पर हमें ब्यूटी से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि वो पाइप तो जमीन के अंदर चली जानी है, राइट? तो हमें जो सस्ती पड़ेगी हम वो करेंगे, ठीक है? इसी प्रोसेस को आप गैल्वेनाइजेशन बोलते हो, गैल्वेनाइजेशन। तो यहां पर टीचर ने वेरियस एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स दी अपने बच्चों को कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग का फायदा क्या है, ठीक है? ये ब्यूटी पर्पस के लिए भी हो सकती है, ये प्रोटेक्शन पर्पस के लिए भी हो सकती है। अब हम इसको देखते हैं कि आखिर करना कैसे है बेटे, ध्यान से देख, शाबाश, हाउ टू डू, हाउ टू डू। लेकिन मैं तभी बताऊंगा ये जब मेरे को ये लगेगा कि बच्चे वाकई पूछना चाहते हैं कि करना कैसे। जो जो बच्चा इलेक्ट्रोप्लेटिंग जानना चाहता है प्लीज रेज योर हैंड, कैसे करते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। 8th C नहीं सीखना चाहते क्या? ओके, ऑल स्टूडेंट्स आर वेरी रेडी। मैं आपको ऐसे तरीके से बताऊंगा, ध्यान से सुनना, किताबों वाले तरीके से भी बताऊंगा, लेकिन उसको बताने का मेरा तरीका ऐसे होगा कि अगर आप चाहो तो घर पे जाके इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर लो, अगर आप चाहो। इतने गहराई से प्रैक्टिकल मेथड बताऊंगा, सभी बच्चों ने ध्यान से सुनना, राइट? देखो बेटा, जब भी हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है तो हमें क्या क्या चाहिए? एक कंटेनर, ट्रांसपेरेंट हो तो अच्छी बात है, ना हो तो भी चलेगा, अगर ट्रांसपेरेंट हो, और या फिर अगर नॉन ट्रांसपेरेंट है तो ये इंसुलेटिंग मटेरियल का होना चाहिए, लकड़ी का, प्लास्टिक का, लाइक दिस। अगर कांच का मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया। इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट डालना होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? ये इलेक्ट्रोलाइट साल्ट सॉल्यूशन होता है, साल्ट सॉल्यूशन, यानी पानी के अंदर हमने एक साल्ट घोला होता है। लेकिन इसकी और भी खूबी होनी चाहिए, एक साल्ट सॉल्यूशन तो है ही है, जैसे नमक के अंदर, पानी के अंदर नमक डाल दिया, लेकिन इसकी एक खूबी और भी है कि करंट के पास करने से ये अपने आयंस में डिसोसिएट कर जाता है, डिसोसिएट्स इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। आपको पता है पॉजिटिव वाला कौन सा होता है? केटायन। नेगेटिव वाला बेटे एनायन। एक तो हमें ये चाहिए इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा क्या? इसके अंदर हम दो मटेरियल्स लटकाते हैं, ध्यान से सुनना, दो मटेरियल्स। एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, एक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, गॉट इट? लेकिन ध्यान से सुनना, पॉजिटिव वाली साइड के ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव वाली साइड के ऊपर आप वो मेटल लगाओगे जो अपने आप को यहां से खुरचने की इजाजत दे देगी और इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी नेगेटिव वाले के ऊपर। वैसे भी कौन चीज, कौन बंदा दान कर सकता है? जो अमीर होएगा, जो पॉजिटिव होएगा वो देगा, और मांगता कौन सा? जो नेगेटिव है, यानी जिसके ऊपर डिपॉजिट करना है वो नेगेटिव, जिसने डिपॉजिट करना है वो पॉजिटिव। यानी दूसरे केसेस में बच्चा मेरे को कह सकता है सर लोहे की टूटी मैं यहां लगाऊंगा और क्रोमियम यहां लगाऊंगा, बिल्कुल सही। तो दूसरा बच्चा कहता है सर ऐसा मैं लोहे का पीपा बना के यहां लटका दूंगा और दूसरी तरफ मैं यहां पर टिन की मेटल लटका दूंगा। मैं कहूंगा कौन किसके ऊपर डिपॉजिट करना चाहते हो? सर टिन को आयरन पे डिपॉजिट करना चाहता हूं, बिल्कुल सही। तो टिन को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा और आयरन को नेगेटिव बनाना पड़ेगा, क्लियर है बेटे? यस। और इसके बाद आपको पता है फिर ये पॉजिटिव है तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर, नेगेटिव है तो ये नेगेटिव पर, ये पॉजिटिव, ये हो गया बैटरी बच्चे, ओके। और इसको सर्किट को बंद करना हो तो बीच में ऑन ऑफ स्विच लगा देते हैं, ऑन ऑफ स्विच। एक ऐसी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप वो भूल गए तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो ही नहीं सकती। कौन सी?
ये जो साल्ट है इसको बड़ी सावधानी से सिलेक्ट करना है, साल्ट के सिलेक्शन। कोई बच्चा बता सकता है ऐसी कौन सी प्रिकॉशन है जो इसको सिलेक्ट करने में हमें ख्याल रखनी पड़ती है? एनी बॉडी, कोई नहीं बता पा रहा। सो बेटे ध्यान से सुनना है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये गलती कर गए तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होएगी नहीं। फिर ये जो मेटल का सोल्यूशन होना है, ये इलेक्ट्रोलाइट जो साल्ट सोल्यूशन है, ये वो सोल्यूशन होना चाहिए जिसमें वो मेटल हो जो मेटल यहां पॉजिटिव पे लटका है। देख लो, पॉजिटिव पे जो मेटल लटका है उस मेटल को लिए हुए साल्ट होना चाहिए। ये मेटल साल्ट की और जो टू बी डिपॉजिटेड है दोनों सेम होनी चाहिए। साल्ट की मेटल और लटकाई हुई प्लेट, मतलब ये ध्यान से सुनना। बच्चा मेरे को कह सकता है कि सर अगर मैंने ये लटकाई हुई प्लेट कॉपर की ले ली हो, कॉपर, कॉपर का सिंबल क्या होता है? Cu। मैंने कहा ठीक है, तो फिर इस कंटेनर में जो मैं लिक्विड डालूंगा तो वो कॉपर का सोल्यूशन होना चाहिए। मैं कहूंगा बिल्कुल, इलेक्ट्रोलाइट जो होएगा वो क्या होना चाहिए? कॉपर साल्ट सल्फेट। सोल्यूशन ऑफ कॉपर। अब बच्चे कहेगा सर जब मैं साल्ट सोल्यूशन ऑफ कॉपर लेबोरेटरी में लेने गया तो वहां तो बहुत सारे पड़े थे पाउडर। मैंने कहा क्या मतलब? सर कॉपर क्लोराइड भी पड़ा है, कॉपर सल्फेट भी पड़ा है, और एक डिब्बे के ऊपर कॉपर नाइट्रेट लिखा हुआ है, तो मैं कौन सा लेकर आऊं? कोई भी ला सकते हो तीनों में से, एनी। तो फिर भी जो सबसे इजीली अवेलेबल होता है वो होता है कॉपर कॉपर सल्फेट। सल्फेट। कॉपर सल्फेट बच्चे, ठीक है। तो पहले हमने पानी डाला, पानी डाल के उसके अंदर कॉपर सल्फेट का पाउडर डाल दिया, ठीक है, दोनों चीजें बन गई तो कॉपर लटका दिया। अब देखो तो ये कंडीशन पूरी होगी, जिस मेटल को डिपॉजिट करना है उसी मेटल का साल्ट भी पड़ा है। दोनों बातें पूरी होगी कि नहीं होगी बेटे? यस यस। अगर ये बात आपने पूरी नहीं करी तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं होगी। अब दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, हम कुछ भी ले लो, जैसे कि ये मैंने स्टील का चम्मच ले लिया, ठीक है, स्पून किचन में से ले आया, या मैं उसकी जगह नेल भी लटका सकता हूं। ओके, अब मेरे को कोई बच्चा बताएगा कि कॉपर को मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ूंगा या नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ूंगा? बेटे पॉजिटिव। पॉजिटिव। शाबाश, यही तो मैं सुनना चाहता था, पॉजिटिव से, ठीक है, और नेगेटिव टर्मिनल को मैं ऑन ऑफ स्विच के थ्रू यानी के की के थ्रू यहां जोड़ दूंगा। छोटे वाली डंडी जो होती है बैटरी की वो नेगेटिव होती है, लंबी वाली पॉजिटिव होती है। बैटरी होती क्या है? बैटरी को डिफाइन करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। आप जानते हो होता क्या है? धीरे धीरे ये कॉपर की मेटल खुरती जाएगी और इसके ऊपर डिपॉजिट होती जाएगी। एक बच्चे ने मेरे से पूछा, ध्यान से सुनना, सर ऐसा क्यों नहीं होता कि चम्मच खुरता जाए और कॉपर के ऊपर चढ़ता जाए? ऐसा क्यों नहीं होता? कॉपर ही क्यों खुरता है और चम्मच के ऊपर क्यों डिपॉजिट होता है? तो उसका रीजन सुनो बेटे, मैं इधर वाली एग्जांपल्स इरेज करता हूं, ठीक है। उसका रीजन बेटे ये है, ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज। जो बच्चा ये समझ लेगा ना और बाद में अपने साइंस टीचर को बताएगा जाके, उसका साइंस टीचर बोलेगा वाह बेटे बाप, बेस्ट आंसर। अब जो समझ लेगा, ध्यान से सुनो बेटे, ये जो कॉपर सोल्यूशन होता है ना, कॉपर सल्फेट, इसका फार्मूला ऐसे होता है, कॉपर सल्फेट। लेकिन अभी तक ये पाउडर के फॉर्म में है, ठीक है, ये टूटता नहीं है। अब ये लिक्विड के, अब इसमें अंदर क्या है, जैसे इसके अंदर लिक्विड डालेंगे तो ब्रैकेट में एक्वस लिखा,
तो ये अपने आयन्स में डिसोसिएट हो जाएगा बेटे। इस प्रोसेस को आयोनाइजेशन बोल दो या डिसोसिएशन बोल दो, एक ही बात है। तो किसमें होएगा? कॉपर का पॉजिटिव यानी कैटायन और सल्फेट का नेगेटिव। गॉट इट? मान लो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं और नेगेटिव वाले को ऐसे। तो इस कंटेनर में जो कॉपर के ये क्या पड़े हैं? कॉपर के, ओके, सारे के सारे। और सल्फेट के क्या पड़े हैं? नेगेटिव के। ये सॉल्यूशन से आगे बच्चे ध्यान से। अब अगली बात सुनना जरा ध्यान से। कौन सा इलेक्ट्रोड मैंने नेगेटिव टर्मिनल पर जोड़ा है? स्पून। तो नेगेटिव टर्मिनल इनमें से नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा या पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव को। तो ये कॉपर सारे उधर को जाएंगे। तो याद रहे इनमें से मेटल यही है, कॉपर मेटल है। सल्फेट इज नॉट ए मेटल, सल्फ नॉट ए मेटल, ओके। और हमने मेटल के ऊपर मेटल ही डिपॉजिट करनी है, तो कॉपर के सारे उधर चले जाएंगे। ये जो स्पून है ये कॉपर को खींच के ले जाएगा, कॉपर के पॉजिटिव को। अब ये जो कॉपर के पॉजिटिव है चले गए, उनको न्यूट्रल होने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्यों? कॉपर के पॉजिटिव आयन उधर को चला गया, उसको वहां से बैटरी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन भेज देगी और वो कॉपर की मेटल बन जाएगी। केटायन से मेटल बन गया। ये जो है ये स्पून के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। डिपॉजिट्स ऑन सून, स्पून, स्पून के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। लेकिन सल्फेट आयन क्या करेंगे? सल्फेट आयन कहते हैं हम तो नेगेटिव है, वह नेगेटिव है, हमें और ज्यादा कॉपर चाहिए, हमारा कॉपर कहाँ चला गया? उनका वो अपना नया कॉपर कहाँ से लेने जाएंगे बेटे? इससे जो मेटल लटका रखी है हमने, कॉपर की मेटल की तरफ कौन से जाएंगे? सल्फेट आयन। क्यों? नेगेटिव इज अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल। तो जो सल्फेट आयन है वो कॉपर की प्लेट की जाएंगे, कॉपर प्लेट, और नया वाला कॉपर सल्फेट बन जाएगा, नए वाले कॉपर सल्फेट फिर टूट जाएगा ऐसे। इसलिए धीरे धीरे ये वाली मेटल खुरती जाएगी और इसमें डिपॉजिट होती जाएगी। और अगर इस ये मेटल थोड़ी बहुत इम्प्योर है, कोई और मेटल है, इम्प्यूरिटी है, तो वो इम्प्यूरिटी यहां पर इकट्ठी होती जाती है, उसको हम एनोड मड बोलते हैं। एनोड मड क्यों बोलते हैं? एनोड मड क्यों बोलते हैं? क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड ही तो बोलते हैं। एनोड से आई हुई इम्प्योरिटी की कलेक्शन जो कंटेनर के अंदर होती है उसको एनोड मड बोलते हैं, ओके। और पॉजिटिव को क्या बोलते हैं? केटायन। केटायन जिधर को हैं उसको, उस इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं? कैथोड। अब मेरे को बताओ, अगर मैं एक क्वेश्चन बताऊं। सर, हाँ जी बेटे, टाइम टाइम इज ओवर। इज ओवर। कौन बोल रहा है? ओके बेटे, अभी तो मेरा ख्याल है, मेरे को तो 10 बजे तक बताया इन्होंने, 5 मिनट पूरे पड़े हैं बच्चे अभी तो। तो सुन लो बेटे, अभी ध्यान से सुन लो। अगर कल को मेरे बच्चों को क्वेश्चन पूछे विच मेटल इज टू बी डिपॉजिटेड कॉपर, वेयर इट शुड, व्हाट इट शुड एक्ट, एनोड और कैथोड? एनोड, ओके, इज दैट क्लियर? सो इस तरह से हमारे पास सर इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपको प्रॉपर समझ आया। अब जरा असाइनमेंट पे आ जाओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 असाइनमेंट। सर कल करवा देना। नो सजेशन, जब तक मेरा टाइम है उसको तो मैं यूज लूंगा बेटे। जो मेरा टाइम है मेरे को, हैज गॉन। मेरे को तो बच्चे इन्होंने 10 बजे तक बोला है। 45 पर ऐसा है। अच्छा, चलो टीचर कह रहे हैं फिर तो मेरे को मानना पड़ेगा बेटे। मेरे को शायद इनको मिसकम्युनिकेशन होगी, तो मेरे को 10 बजे बताया गया था। ओके, नो प्रॉब्लम। आप ना ये असाइनमेंट घर से करके आना, बहुत से क्वेश्चन आपसे खुद ही होंगे
और फिर इसको अगली बार डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटे? इन बच्चों को आज का लेक्चर पूरा समझ आया? रेज योर बोथ हैंड्स। थैंक यू बेटे, थैंक यू, थैंक यू। मैं तो बोल रही हूँ कि तू पहले मोर काल जाता है मेरे को मैंने करा जाके मम्मी कहती मैं लग रहा है तेरे पैकेट लेके